हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमिला रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स इजी टू कुक रेसिपी। आपको ये इजी टू कुक रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स हम अपनी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमिला रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स इजी टू कुक रेसिपी। आपको ये इजी टू कुक रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स हम अपनी रेसिपी को। वेरी इजी, वेरी वेरी टेस्टी फ्रेंड्स, हमारे टोस्ट है आलू भुजिया टोस्ट फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे ये सिंपल सी वेरी टेस्टी सी आलू भुजिया टोस्ट की रेसिपी फ्रेंड्स। तो हमने पैन गरम कर लिया, इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। अब ये गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बारीक चौक किया हुआ प्याज डाल देते हैं, अच्छे से भून लेंगे इसको हम। प्याज हमारी भून चुकी है, इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी रेड चिली, फ्रेश वाली है ये, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें जिंजर पेस्ट। इसमें डाल देंगे हम फ्रोजन मटर, हम डाल देंगे चाट मसाला इसको 1 टेबल स्पून, ये डाल दिया हमने इसमें मैगी मसाला, वन टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा सा पिंच इसमें हल्दी पाउडर। अब इन सबको मसाले में मिक्स कर देते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब यहाँ पर हम डालेंगे बॉयल पटैटो, यहाँ पर हमने 2 बॉयल पटैटो लिया है जिसको हमने मैश कर लिया है, इसको अपने मसाले में कर देते हैं बढ़िया से मिक्स। अब गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ। अब हमने ब्रेड की स्लाइस ले ली है, इसमें हम लगा देते हैं पिज्जा सॉस। अगर आपके पास में पिज्जा सॉस है तो आप पिज्जा सॉस लगाइए, टमाटो केचप है तो टमाटो केचप लगा दीजिए, और हरी चटनी घर की है, होममेड है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब सब पे हमने जितनी आपको स्लाइस चाहिए उतने पे आप पिज्जा सॉस लगा ली है। अब हम लगाते हैं इसमें अपने आलू का बैटर, अच्छे से लगाना है इसमें हमें अपना आलू का ये मजेदार सा टेस्टी सा बैटर, अच्छे से स्प्रेड कर दिया इसमें हमने। अब इस पे हम लगाते हैं जो हमारी बारीक वाले सेब होते हैं ना, वही है ये, ये लगाने के बाद हल्का सा इसको हम पुश कर देंगे। अब इसी तरह से हम सभी अपनी ब्रेड स्लाइस टोस्ट को तैयार कर लेते हैं आलू के साथ में। सभी हमने तैयार कर लिए हैं, अब इनको हम बटर में या घी में टोस्ट कर लेते हैं फ्राई पैन में। पैन में हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे, अपने टोस्ट को हम इस तरह से इसमें लो फ्लेम पर टोस्ट करेंगे, और इसको सिर्फ हमें वन साइड से ही टोस्ट करना है। इनको हम निकाल लेते हैं, आप चाहे तो इनको हल्का सा दूसरे साइड से भी सेक सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आलू भुजिया निकलने का डर है। ये देखिए हमने एक टोस्ट को दूसरे साइड से भी सेका है, आप चाहें तो इसको हल्का सा सेक भी सकते हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं निकला है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सभी आलू भुजिया के ये वेरी वेरी टेस्टी से टोस्ट हो गए हैं तैयार फ्रेंड्स आपके लिए।
आप इसको चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए, टी टाइम में खाइए, किसी टाइम भी फ्रेंड्स खा सकते हैं। तो कैसे लगे फ्रेंड्स आपको ये हमारी प्यारी सी रेसिपी, इजी टेस्टी रेसिपी, अपने घर में अपने बच्चों के लिए, किसी भी के लिए भी बनाइए। और प्रमिला की इस रेसिपी को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें फ्रेंड्स। तो फिर से मिलेंगे हम आपको न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।